हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो जो स्टूडेंट्स भी जुलाई 2018 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट किए थे, उन सभी लोग के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनका असाइनमेंट का मार्क्स इग्नू की तरफ से अपडेट करना है स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग अपना अपना असाइनमेंट का मार्क्स और प्रैक्टिकल का मार्क्स चेक कर सकते हैं और देखिए कि आपका अपडेट हुआ है या नहीं। मैं आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ईएचआई 4 और ईएसओ 11 का स्टेटस शो हो रहा है। 21 जून और 27 जून को उनका असाइनमेंट रिसीव टू बी प्रोसीड शो हो रहा है। यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा असाइनमेंट के रिलेटेड, खासकर वो स्टूडेंट जो अभी नए नए इग्नू में एडमिशन लिए हैं या पहली बार इग्नू में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आप लोग बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग जब असाइनमेंट का स्टेटस चेक करोगे, असाइनमेंट का स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया रहेगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके अपना असाइनमेंट का स्टेटस का पोर्टल पे आ सकते हैं। वैसे अगर आपको इस तरीके से चेक करना है तो आपको गूगल में अपना असाइनमेंट स्टेटस जस्ट सर्च करना होगा, उसके बाद से सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा असाइनमेंट स्टेटस, उसके ऊपर क्लिक करोगे, आपका एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, उसके बाद से अपना प्रोग्राम कोड बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम जो भी है आपका प्रोग्राम कोड वो सबमिट पुट करोगे, उसके बाद से सबमिट करोगे तो आपका असाइनमेंट का स्टेटस शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को एक दिखा दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके आप यहाँ पे आ सकते हो। अब यहाँ पे देखो जो भी नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले सारे स्टूडेंट्स को मैंने इससे पहले भी बताया था रिसीव टू बी प्रोसीड और रिसीव इन प्रोसेस, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि रिसीव टू बी प्रोसीड का मतलब ये हुआ, अगर आप लोग का रिसीव टू बी प्रोसीड लिखा हुआ है दैट मीन्स कि आपका असाइनमेंट अभी सिर्फ स्टडी सेंटर में गया है, अभी आपका साइन नहीं हुआ है या अभी मार्क्स अपडेट नहीं किए गए हैं। ठीक है, जब यहाँ पे रिसीव एंड इन प्रोसेस लिखा रहेगा तब उसका मतलब ये हुआ कि आप लोग का असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो गए हैं, बस ग्रेड कार्ड में ऐड नहीं हुए हैं। ठीक है, और चेक ग्रेड कार्ड फॉर डिटेल अगर शो करेगा दैट मीन्स कि आपका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड हो गया। तो यहाँ पे तीनों में डिफरेंस है, आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रिसीव टू बी प्रोसीड मीन्स आपका असाइनमेंट स्टडी सेंटर में रिसीव हो गया है, अभी मार्क्स ऐड नहीं हुआ है उसमें। रिसीव एंड इन प्रोसेस मींस आपका मार्क्स ऐड हो गया है, और ग्रेड कार्ड मींस चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल मींस आपका ग्रेड कार्ड में भी मार्क्स ऐड हो गया है। तो उस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे तो सिर्फ आपको स्टेटस शो करेगा, बाकी जो मार्क्स है वो आपको ग्रेड कार्ड में शो करेगा। ठीक है, जब आप लोग ग्रेड कार्ड चेक करोगे तब। मैं आप लोग को एक ग्रेड कार्ड भी शो करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग के लिए आसानी होगी जब आप चेक करोगे, खासकर जो स्टूडेंट्स जो नए हैं अभी। ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स को तो सब कुछ पता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता है कि असाइनमेंट का मार्क्स कहाँ पे शो होता है। तो आपका असाइनमेंट का मार्क्स वो ग्रेड कार्ड में शो होता है। ठीक है, उसके लिए आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका प्रोग्राम है प्रोग्राम ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, बीए बीकॉम बीएससी या बीडीपी जो भी है आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग को आपका असाइनमेंट का मार्क्स शो करेगा। ठीक है, कि आपका असाइनमेंट में कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसमें असाइनमेंट का मार्क्स दिया हुआ है 78, 76, जो भी आपका असाइनमेंट का मार्क्स है यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना प्रोग्राम सही से चेक करना। अब यहाँ पे एक और बात आ जा रही है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो अभी असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, सबका अपडेट नहीं हुआ है, कुछ कुछ लोगों का हुआ है। तो अगर आपका असाइनमेंट का मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को मैं बता दूं कि ऑफलाइन मार्क्स भी आप पता कर सकते हैं अपने असाइनमेंट का। उसके लिए आपको करना क्या होगा, विजिट योर स्टडी सेंटर, अपने स्टडी सेंटर में जाना होगा। ठीक है, विथ अपना आई कार्ड लेके, ठीक है, जो इग्नू का आई कार्ड है वो, और साथ में अपना असाइनमेंट सबमिशन स्लिप। ठीक है, असाइनमेंट सबमिशन स्लिप आपको जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तो उस वक्त ही मिलता है, अगर वो नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन आई कार्ड जरूर लेके जाना। असाइनमेंट सबमिशन स्लिप आप साथ में लेके जाओगे तो आपको ऑफलाइन भी आपको मार्क्स स्टडी सेंटर वाले बता देंगे, और आपका जो पेपर चेक हो गया होगा असाइनमेंट का वो भी आपको दे देंगे। तो ये एक है तरीका, अगर आपका अभी तक यहाँ पे स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तो आप लोग अपना स्टडी सेंटर में जाके पता कर सकते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं जैसे आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि जो लोग भी जुलाई 2018 सेशन में असाइनमेंट सबमिट किए या प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन दिए हैं वो लोग अपना अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, ग्रेड डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, और देखिए कि आपका स्टेटस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका स्टेटस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है तो दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे उसके बारे में, और इसके अलावा अगर कोई अदर डिटेल्स हो या अदर कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। ठीक है, और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं और इग्नू के स्टूडेंट्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड यहाँ पे सारी अपडेट आप लोग को सबसे पहले मैं देने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।